साहसी कायनात में नहीं है कोई आपका मूर्ति हुंडई वगैरह तो आपको हो गया आपके लिए बीएमडब्ल्यू बहुत ओवरवेलमिंग होगी। हाँ यार बीएमडब्ल्यू, हाँ यार कैसे चलेगी, माइंडसेट ब्लॉक है। एक्चुअली पोर्शेस आर मेंट टू बी ड्रिवन। आई हैव सीन ब्लॉग्स, आई हैव सीन आर्टिकल्स एंड नो पीपल जिन्होंने अपनी पोर्शे सुपर कार एक एक डेढ़ लाख किलोमीटर चलाई है। जो सेडान में आपको फिजिकल कंफर्ट मिलता है वो एसयूवी में नहीं मिलता। और एसयूवी में 6 5 4 3 2 1 स्पोर्ट्स मोड उठा रहा हूँ। सो दिस हैज बीन माय फेवरेट कार टू डेट। मैं इसके बारे में इमोशनल हूँ, थोड़ा बायस दूँ, यस। सो आपको मेरी वीडियो बायस लग सकती है, बड़ा कुछ लग सकता है, बट द गुड पार्ट इज दैट क्योंकि हम कोई नई गाड़ी रिव्यू नहीं कर रहे, आई कैन जस्ट पोर माई हार्ट आउट एंड टेल एनीथिंग दैट आई फील अबाउट दिस कार एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इट हेयर इन चंडीगढ़ और इन और ऑन द हिल्स और कहीं पर भी। इतनी जबरदस्त गाड़ी है ना यार, इतनी जबरदस्त गाड़ी है एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे को यार इस काम के जरिए या वर्जिन राइड के जरिए यार की अच्छी गाड़ियाँ चलाने को मिल रही है। ये अभी हमने डिलीवर करी है तो ये एक हमारी इन्वेंटरी कार थी। वी एक्चुअली बॉट दिस कार, देन वी गॉट इट सर्विस, गॉट इट ऑल सेट, पुट इट ऑन न्यू टायर्स एंड एवरीथिंग एंड देन वी हैव सोल्ड इट टू अ कस्टमर इन लखनऊ। सो थिंग इज कि देयर इज अ रीजन मैं गाड़ी का वीडियो बाद में डालता हूँ, एक बार उसकी गाड़ी की डील डन हो जाती है, सब हो जाता है। बिकॉज नहीं तो उससे पहले जो मेरी इन्वेंटरी कार है स्पेशली उसके पहले आपको ये ना लगे यार कि गाड़ी सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मली मैंने मेक अ वीडियो तो वो एक मोर देन अ गुड बाय वीडियो होती है, बिकॉज जितना टाइम मैंने उस कार के साथ स्पेंड करा होता है उसको चलाने में वो सबको मैं फाइनल कंक्लूजन एक बना बता सकता हूँ। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड आई लव इट्स रोड्स एंड ये संडे शाम का बेस्ट टाइम होता है इन रोड्स पे, सारी आपको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, इट विल बी वेरी लाइकली कि यहाँ पे लंबोर्गिनी भी दिख जाए, पोर्शे, दूसरी कायन, केमन वगैरह भी दिख जाए। अभी रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड हु हैड एन M340i। सो अलग ही चीज़ है यार एंड देन मैं थोड़ा सैड भी हूँ that and I wish that I can afford this car for myself soon, but problem ये है and I can afford it, ऐसी problem इतनी बात नहीं है। Point ये है कि अब इस काम के जरिए अपनी गाड़ी कौन सी है ये नहीं है ये पता ही नहीं लग रहा, because every car कहीं ना कहीं कोई अपनी खरीदता हूँ तो वो सेल पे ले जाता है, कुछ हो जाता है। बट एनी हाउ कमिंग बैक टू दिस कार, मेरे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बोला था यार कि एसयूवी का एक अपना मजा होता है और सेडान का एक अपना मजा होता है, कि जो सेडान में आपको फिजिकल कंफर्ट मिलता है वो एसयूवी में नहीं मिलता, और एसयूवी में जो मेंटल कंफर्ट मिलता है बिकॉज आप ऊंचे बैठे हो, आपकी रोड प्रेजेंस है और आप दूर तक देख सकते हो, आपको पता है यार कि उस कार के आगे कौन सी जा रही है, उसके आगे कौन सी जा रही है, एंड यू फील दैट मेंटल कंफर्ट अलॉट कि यार कि आई ऑलरेडी नो व्हाट्स हैपनिंग एंड सिटिंग ऑन द हाईएस्ट पोजीशन। वो एक अलग जोन में, वो एक अलग लेवल है, वो सेडान में नहीं मिलता। बट दिस इज द फर्स्ट एसयूवी जिसके अंदर लॉन्ग ड्राइव पर भी मेरे को उतना ही एफर्टलेस लगा जितना एक सेडान में लगता है। नॉर्मली सेडान के अंदर जो आपकी सीटिंग होती है, जो आपकी सीट कंफर्ट होता है वो बहुत ज्यादा बेटर है। एसयूवीज में आप कहीं ना कहीं एक खड़ी चेयर पे जैसे बैठे रहते हो, बिकॉज आप हाइट पे बैठते हो, आपकी लोअर काफ मसल्स पेन होनी शुरू हो जाती है। दैट्स द 6 सीरीज दैट वेंट देयर एनीवेज, तो आपकी लोअर काफ मसल्स पेन होनी शुरू हो जाती है। बट इस गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या लेवल है, क्या है, द सीट्स दैट दे हैव बिल्ट, द एंगल दैट इट कैन गो टू, जो एक जीरो ग्रेविटी पोजीशन होती है जो सेडान में बहुत इजीली अचीव हो जाती है, या बहुत कंफर्टेबली ऐसे कार लेट के ना वे चला रहे होते हो। अभी मैंने उस पोजीशन पर नहीं करा बिकॉज इट्स लाइक अभी सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, बट हाईवेज पर भी मतलब, और जो इस सिटी ये जो सीट जिस तरह बनी हुई है, यू फील लाइक अ किंग ऑन द रोड एंड नॉट बिकॉज ऑफ द रोड प्रेजेंस, मोस्टली बिकॉज ऑफ द सीट्स इटसेल्फ। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, इट्स लाइक एक रॉयल सीट नहीं होती है जो बहुत बड़ा एक, सोचो एक सिंगल सीटर सोफा होता है जिसे आपको लगता है वाह यार कि मैं एक रिक्लाइनर पे बैठ गया। ऑनेस्टली यू सिट ऑन दिस सीट एंड यू फील लाइक दैट एंड देन यू आर ड्राइविंग दिस कार विच इज सो इजी टू ड्राइव, सो पावरफुल, सो ह्यूज, येट सो कॉम्पैक्ट एंड येट सो निम्बल। So you see this bolstering and everything and I am, मतलब मैं इतना पतला नहीं हूँ, but फिर भी you just see कि कैसे ये पूरी सीट ने मेरे को अच्छे से कवर करा हुआ, it's like a sofa seat and that really matters a lot। और यार ये जिस तरह कार बनी हुई है, ये है 5-seater, है Q7 की चैसी, इंजन भी इसमें Q7 वाला 3-liter V6 और ऑल व्हील ड्राइव ऑल टाइम, एंड जो इसका सारा एक कॉकपिट फीलिंग है, ऑल दीज बटन राइट देयर, यहाँ पे बटन पीछे बटन, वो नई वाली काइन एंड जितना मतलब क्या मतलब एनीथिंग दैट आई टेल अबाउट दिस कार। और ये सामने 5 डायल्स हैं, इट्स लाइक डिजिटल कम है, एनालॉग ज्यादा है, मतलब जैसे कार चलाते हो सारी सुइयां कहीं ना कहीं मूव कर रही होती हैं। दिस इज अ रॉयल एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस यार। आई एम सो सैड दैट वी हैव सोल्ड दिस कार।
ऑनेस्टली मतलब बुरा लगेगा ये बोलते हुए, अजीब सा लगेगा, बैड फॉर बिजनेस, बट ऑनेस्टली यार इट फील्स सो सैड टू पार्ट विद दिस कार. एंड आई एम टेलिंग यू आई हैव बीन आई हैव ड्रिवन अ Q7, आई बाय सेल्फ हैव अ Q5 एंड A6 वगैरह सारी, मतलब यार बहुत अच्छी गाड़ियां चलाता हूं मैं, बट दिस इज एक्चुअली नेक्स्ट लेवल. मतलब वो कहता है ना कि पोर्शा क्या होता है या क्या मतलब है व्हाटएवर, मैंने ऑब्वियसली पोर्शा कोई और नहीं चलाई हुई, एक दो बार बैठा हुआ हूँ, बट कोई स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाई, आई डोंट नो व्हिच लीग दे आर इन, बट एक डेली ड्राइवर होना एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज सच अ पॉपुलर कार. एंड देन इसकी डिजाइन लैंग्वेज, इसको देखते हो, मैं ऑनेस्टली इस गाड़ी को पार्क करने के बाद पांच मिनट दस मिनट खड़े के देखता रहता हूँ कि इतनी सुंदर गाड़ी कैसे बनाई है. और कोई टाइमलेस डिजाइन ना कोई अलग ही लेवल के होते हैं. देयर इज अ रीजन कि ये गाड़ी जो 2009-10 में डिजाइन हुई थी, आज लेटेस्ट स्काई आ रही है वो भी ऐसी ही दिखती है. थोड़े बहुत सटल लेवल से चेंजेस हैं, स्क्रीन सिस्टम थोड़ा बेटर है, अंदर के इंटीरियर में थोड़ा सा चेंज है, जैसे अब वाली जो बिल्कुल अभी काई नहीं है उसके अंदर डबल स्क्रीन हैं, बट बाहर से इट ऑल लुक्स ऑलमोस्ट द सेम. और ऐसे डिजाइन होना या ऐसे वो एवरग्रीन डिजाइन होना इट्स अ रेयर थिंग एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल फ्रॉम द आउटसाइड. आई विल शेयर सम पिक्स, अभी बाहर से मैं वीडियो नहीं बना रहा, बट इट इज आई एम रियली इमोशनल अबाउट दिस कार. मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं आपको एक टेक्निकल रिव्यू नहीं दे पा रहा इस कार का, बट एक इसकी जो सॉलिडिटी है और इतना, मतलब यार मैंने कभी इतनी बड़ी कार इतनी कॉम्पैक्ट लेवल पर नहीं चलाई. Q7 में ना इट्स लाइक वो एक अलग लेवल है यार कि आप तीन सीटों वाली गाड़ी चला रहे हो, नो डाउट डायनामिक पे करके वो अच्छी चलती है, बट व्हेन यू नो कि आपकी कार की वो भी इतनी नहीं है. लोग ना देख के इसको जब मैं थोड़ा रेस्ट लाता हूँ फट जाती है, बिकॉज़ इट्स सो ह्यूज, बट येट्स इट्स सो निम्बल, इट ड्राइव लाइक अ हैचबैक. और मैं किसी को बता नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये फील ही हो सकती है, द पिकअप इट हैज द ऑल व्हील ड्राइवेबिलिटी, कहीं भी ले जाओ, द हाइट, द कंफर्ट, द रॉयल फीलिंग, इट्स नेक्स्ट लेवल. इस गाड़ी में 140-150 ऐसे टच होती है आपको पता भी नहीं लगता. इसमें 8 स्पीड गियरबॉक्स है, 8वां गियर जब डलता है ना, जब आप क्रूज कर रहे हो, 8वां गियर पे आरपीएम सबसे लोएस्ट पे होती है जब ये गाड़ी 145 पे होती है. दैट्स द पावर ऑफ दिस इंजन. I can spend days on this car. I can do an all India trip on this car. Honestly, मुझे आज तक ना कभी समझ नहीं आता यार कि अगर मुझे all India trip करना है यार तो कौन सी गाड़ी होनी चाहिए. No doubt, इसका छोटा वर्जन थोड़ा सा Q5 है, जो EcoSport का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है in a way. But I am in that same league and obviously, जैसे मेरे को Q5 से अपनी इतना प्यार है, Q5 की next level ये है, I could feel that वो भी ऐसी है, it's like compact but not at this level. उसके अंदर उतनी royal feeling नहीं है जो इस गाड़ी के अंदर है. And I have never felt such class level of engineering. And mind you, this is a 2013 variant car. 2011 से बननी शुरू हो गई थी या आनी शुरू हो गई थी. और तब की यार ये ऐसी चीज़ें लोग बना रहे हैं. और इसका 25 करोड़ का बिल पड़ा है गाड़ी के अंदर. मतलब वहाँ से शुरुआत है इस कार की. उसके बाद इसके अंदर अलग अलग इंजन हैं, पेट्रोल है, हाइब्रिड है, पता नहीं क्या क्या है, बट दिस इज लाइक द मोस्ट कॉमन वन. हाईवे पे 16-17 की माइलेज, शहर के अंदर 11-12 की माइलेज, बट ऑब्वियसली ऐसे चलाने में थोड़ी और कम आएगी. बट आई हैव नेवर फेल्ट away in a car like this car. It is royal from every way. मतलब इसके इंटीरियर, इसके फीलिंग, everything is so big yet so इसके. और ये भी इसके अंदर अच्छा फीचर है, लाइक कम स्पीड पे इसके सेंसर हमेशा ऑन ही रहते हैं, तो आपको जबरदस्ती ऑन नहीं करना पड़ता. जो सस्पेंशन, जो राइड क्वालिटी की सफलनेस है एट द सेम लेवल, जो मतलब मिक्स ऑफ ऑल वर्ल्ड यार, एंड देन सो साइलेंट सब कुछ. मतलब इंजन इसका जो इसकी इंजन की रिफाइनमेंट है, अगर मेरे पास कोई अभी फॉर्च्यूनर खड़ी होती है तो मैं आपको दोनों की दिखाता है. इसके इंजन की पेट्रोल जितनी आवाज भी नहीं है, ये जो अभी आ रही है, मैं बहुत रेव कर रहा हूँ तो आ रही है, मतलब एक पेट्रोल आपको कभी नहीं लगेगा कि ये गाड़ी एक डीजल इंजन कार है. मतलब और अगर आप बोनट भी खोल लो तो भी ऑन हुई होगी तो आपको लगा यार पेट्रोल इंजन चल रहा है, आपको ये भी नहीं पता लगेगा गाड़ी ऑन है नहीं ऑन है. इसमें गलती लग जाती है, जबकि इट्स SUV 3 लीटर डीजल इंजन V6 258 समथिंग BHP 500 प्लस NM ऑफ टॉर्क. और ये इसका सबसे नीचे वाला इंजन, इसके अंदर 4.2 भी आती है जो Q7 में भी आती है. It has a Bose sound system. मैं भी डर गया. अभी आपको क्लैरिटी पता नहीं लगेगी, बट इट हैज गॉट अराउंड 13-14 स्पीकर्स. पता नहीं कितने वॉट का साउंड सिस्टम है, 2
one and go. I hope I don't get any speed chalans. So comfortable. The seat is holding me like anything. Anyways, I love this car, yeah. I love this car. One car that I would want to have for everything till the end of my life, I would want to have this car. It is such an amazing car. If you can afford it, definitely go buy it. Leave everything else. There is nothing better than this Porsche on the roads. And I'm telling you that. I've not experienced those AMG, GLCs, GLEs. Obviously, unka kuch aur level hoga yaar. But, matlab, us jo highest, sabse badi badi jo aati hai SUVs, ya makan maine nahi chalai. Matlab, jitni badi SUVs, because pata kya, ek to badi SUVs hoti hai, sari 7-seaters hain. They are not made for driving. ये कुछ ही गाड़ी है, GLC कूपे हो गई, GLE कूपे हो गई, जो 5-seater भी हैं, but they are built for the fun of driving. And yes, this Porsche is built for fun of driving. और आपको एक और बात बताऊं, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं गाड़ियां बाद में, मतलब जब सेल हो जाती हैं उसके बाद कोई वीडियो बनाता हूं, उसका कारण ये है कि आपको ये ना लगे यार, और मेरे को भी ये ना लगे कि आई एम ट्राइंग टू सेल देम, बिकॉज उससे पहले ना कहीं ना कहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल दैट कार, तो कहीं ना कहीं ना मेरा वो वाला स्टेट ऑफ माइंड होता है कि अच्छा गाड़ी बेचनी है, तो आपको ये लगे यार मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ. डेफिनेटली वो बात एक है कि मैं जो भी गाड़ियाँ मेरे पास वीडियो में होंगी वो अच्छी वाली होंगी, क्योंकि मैं खरीदता ही वो गाड़ियाँ हूँ जो मुझे पसंद है या जो किसी के लिए भी अच्छी होती है. एक आपको पोर्शा की बात बताना चाहता हूँ. लोगों को लगता है यार कि पोर्शा तो BMW, बिकॉज लोग तो भी BMW ऑडी के लेवल भी नहीं पहुंचे. जिस बंदे ने ली भी है उसके बाद भी पहले Q7 थी. ऑब्वियसली आपको एक लेवल ऑफ कम्फर्ट चाहिए विद लग्जरी ब्रांड्स, लाइक इफ ऑलरेडी आपका मूर्ति हुंडई वगैरह है तो आप कहोगे आपके लिए BMW बहुत ओवरवेलमिंग होगी, हाँ यार BMW, हाँ यार कैसे चलेगी. बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट कम्फर्ट एंड देन देयर कम्स दिस पोर्शा. ये सब मेंटल लेवल के वो हैं, आपके माइंडसेट ब्लॉक है. एक्चुअली पोर्शेज आर मेंट टू बी ड्रिवन. आई हैव सीन ब्लॉग्स, आई हैव सीन आर्टिकल्स, आई नो पीपल जिन्होंने अपनी पोर्शे सुपर कार 1-1.5 लाख किलोमीटर चलाई है. दीज कार्स आर सो रिलायबल, सो हैसल फ्री, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है. पहले तो यार ये वॉल्सवैगन ग्रुप का ही अपर वेरियंट है. सबसे कॉमन कार वॉल्सवैगन बनाती है, उसके ऊपर वो ऑडी में भी वही गाड़ी आती है. वॉल्सवैगन ही ऑडी का, मतलब ऑडी वॉल्सवैगन का प्रीमियम वर्जन है, पोर्शे ऑडी का प्रीमियम वर्जन है. सो दे शेयर देयर a lot of bit parts, chassis, engine, everything. तभी ये Q7 की जैसी है. इसका और Q7 का इंजन सेम है. But the point is that all these cars are extremely reliable. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. And yes, Porsches are very, 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 very reliable. मतलब ये जो ले भी रहा है बंदा, उन्होंने मेरे को फोन पे, मतलब 90% जितने मेरे कस्टमर हैं वो फोन पे हमसे कार खरीद लेते हैं. और थोड़ा मेरे पर ज्यादा टेंशन होती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ कार इन अ वे, प्रिपेयर दैट कार इन अ वे. मतलब इसके साथ हम 15,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रहे हैं. प्रिपेयर अ कार इन अ वे कि ऑब्वियसली उनको अगले 10-20-30,000 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम ना है, बिकॉज जो ले रहा है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती. तो इसलिए मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम होती है कि मैं एक वही कार सेल करूँ, और ये 77,000 चली है, कि मैं वही कार सेल करूँ जिसपे अगले को रिलायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम ना है. और तो भी मैं वही गाड़ी खरीदता हूँ. एंड पोर्शे इज वन कार जिसके साथ मैं भी अपनी गुडविल साथ में जोड़ के दे सकता हूँ. एंड ऑनेस्टली द टाइम दैट आई हैव ड्रिवन इट, 2,000-2,500 किलोमीटर तो मैंने चलाई है. द टाइम दैट आई हैव ड्रिवन इट, आई हैव रियली फॉलन इन लव विद दिस कार. और मेरी गाड़ी एक दो बंदों ने, जितनों ने चलाई है, जिनको मैंने दी है, जो उस लेवल के थे और जो अफोर्ड भी कर सकते थे, उनके लिए भी मैं एक पोर्शे ढूंढ चुका हूँ. और एक और थर्ड बंदे वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं यार कि यार कि ये गाड़ी हो तो मज़ेदार, बाकी सारी गाड़ी मेरे बिकवा दे. और एक मैं अपने लिए भी देख रहा हूँ, बट मेरे लिए 2013-14 मॉडल से ऊपर वाली पोर्शे थोड़ी एक्सपेंसिव जा रही है. और क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना पड़ता है, तो मैं भी एक 10-year लॉ में फंस चुका हूँ. बट द पॉइंट दैट इज वाई मैं दुखी हूँ कि यार ये जा रही है, नहीं तो इस लेवल की कार आई कैन स्टिल बाय. सो आई होप दैट आई एम एबल टू टेल समथिंग अबाउट दिस कार टू यू. मेरी लैंग्वेज में भी पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील दिस मोर एंड मोर. एंड आई डिडंट वॉन्ट टू डू दिस ऑन हाईवे. द बेस्ट वुड हैव बीन कि अगर हम पहाड़ों पर करते, मेरे को टाइम नहीं था अभी कसौली वगैरह जाने का. एंड सो आई जस्ट वांटेड टू टेल, सामने भी एक कायन है. सो ये अब देखो, ये कायन है जो अभी मार्केट में बिक रही है, वो सामने जा रही है. इसका और इसमें कोई फर्क नहीं है, इस बेसिकली फेसलेस फर्क. अभी भी एक वैसे का ही सिमिलर डिजाइन चल रहा है. So anything that we say about this car is less. It's just pure masterpiece of everything. Luxury, raat ki jo iski ambient lighting hai, engine refinement, reliability, longevity, comfort, anywhere goability. And Porsche ke do variants aate hain Cayenne mein, air suspension wala without air suspension, isme air suspension nahi hai. Because main Audi ke air suspension se to kafi comfortable hu, mere ko tha yaar ki shayad customer ज़्यादा लोग ना थोड़ा डरते हैं एयर सस्पेंशन से. नो डाउट मैं नहीं डरता, बट फिर भी मैं लोगों को माइंडसेट कितना चेंज करूँ. तो ये नॉन एयर सस्पेंशन वेरिएंट है. बट उसके अलावा भी एयर सस्पेंशन में तो आपको और मोड्स मिल जाते हैं, और इसको स्टिफ कर लो, लूज कर लो, हाइट ऊपर कर लो, नीचे कर लो. बट उसके अलावा भी यार, मतलब द वे दिस कार इज सेटअप, द वे दिस कार इज मेड, द
द रिफाइनमेंट ऑन दिस कार एवरीथिंग यार, मेरे पास वर्ड नहीं है, कुछ भी होता ना मतलब फाइव स्टार एवरीवेयर, दिस इज सच अ गुड कार, सच अ गुड कार. एंड एनीवन हु कैन स्पेंड 20 टू 30 लाख, आई थिंक दे शुड बाय अ पोर्शे, दे शुड लीव ऑल दीज मर्सिडीज वगैरह सब कुछ. जो लोग होता ना यार, जो चलाना भी खुद पसंद करते हैं और ड्राइवर नहीं रखना चाहते और उनको काम भी बहुत होता है, उनकी गाड़ी चलती भी बहुत ज़्यादा है, उनको लग्जरी भी चाहिए, बट उनको ऑब्वियसली सेडान में वो रोज चलाने वाली प्रॉब्लम आती है. दिस द बेस्ट कार यू कैन हैव, बेस्ट कार, समवन लाइक मी बेसिकली हु लव्स टू ड्राइव, ड्राइव्स अ लॉट, दिस इज द बेस्ट कार यू कैन हैव, इट इज सच अ गुड कार, सच अ गुड कार. सॉरी यार, थोड़ा गुस्सा मत करना चंडीगढ़ वाले लोगों. Thing is, yes, this is a huge car and I think 2.5 or 3 ton ki hogi, and yes, it drives like a hatchback. Bye bye. Aur ha, kisi ko luxury car leni ho to contact on my number. I'm sorry I'm a little emotional right now, but I can find that car for you, we can talk, we can discuss ki kaun si car aapke liye achhi hai, and then we'll buy that car for you and I'll go out, buy it for you, transparently deal hogi aur aap उसके अलावा आपको कोई कार लेनी हो, टॉक टू मी, आपका जो बजट होगा आपकी ड्राइविंग के हिसाब से, आई विल हेल्प यू चूज की एक्चुअली आपके लिए कार कौन सी अच्छी है, बिकॉज जो बंदा पहली बार लग्जरी कार ले रहा था उसको पता ही नहीं होता यार कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, या उसके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, या वो कहाँ रहता है, या सेडान सही होगी नहीं होगी, या उसको क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक बार वो डिस्कशन करते हैं, फिर एक अच्छी कार फाइनल करके उनके बजट में फिर वो ढूंढते हैं और उनको डिलीवर करा देते हैं और सारा कुछ एक हफ्ते में करा देते हैं. अगर आपको कार लेनी है तो डू लेट मी नो. एंड यस, आई गेट सैड व्हेन आई सेल गुड कार्स, बिकॉज पार्टिंग इज रियली हार्ड.